कल जो रात के वक्त जो है काफ़ी हैवी बर्फबारी हुई और एक फुट के करीब जो है एडिशनल जो एकोमोडेशन स्नो का हो गया हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक फुट से लेकर 1.5 फुट के तक, तो उससे थोड़ा सा सर्विस और हमारी डिस्टर्ब्ड हो गई जो हमने रिस्टोर की थी इलेक्ट्रिक सप्लाईज या वाटर सप्लाईज, तो हमने फिर दोबारा से अपने लोग लगाए और उसमें से भी मैक्सिमम जैसे हमारे वाटर सप्लाई के हवाले से अगर पूछें हमारी 137 स्कीम है वाटर सप्लाई की और 137 की 137 हमारी रिस्टोर हैं। अभी 6 स्कीम हमारी ऐसी थी जो फ्रॉस्ट और बर्फ से जिन पर असर हुआ था उनको हमने पार्शियली रिस्टोर किया, इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन के बाद उनको भी फुली रिस्टोर किया जाएगा। और हमारे इसके अलावा टैंकर सर्विस भी हमने प्रेस रखी हुई है जहाँ पर अगर पानी की कमी हो तो टैंकर सर्विस से हम उन लोगों को पानी पहुँचाते हैं पीने का। हेल्थ के हवाले से अगर देखा जाए हमारे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारे सब ये ट्रोमा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रोमा जो कंगन है और उसके अलावा PIC 24/7 जो है हमारे सारे नॉर्मल काम कर रहे हैं और हीटिंग अरेंजमेंट और दवाइयां जो भी हैं मेडिसिन वो एम्पल क्वांटिटी में मौजूद। इसके अलावा जो अगर किसी भी किस्म की मुश्किल से दोचार होना किसी को पड़ेगा इस बर्फ़ के बावजूद चलते हुए इसके आफ्टर मैथ में, उसके लिए हमने जो है डिस्ट्रिक्ट में 24/7 कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करके रखा है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसके अलावा जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हेल्थ है R&B है या हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट उनके नंबर भी हम मुश्तर करके रखे हैं और हमने इसको इनको नंबर्स को कंट्रोल रूम की और इन ऑफिसर्स के नंबर्स को वाइट पब्लिसिटी दिए थ्रू प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताकि ज़रूरत के वक्त जो हमारे अवाम है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के उनसे कंटेक्ट करें और अपनी जो भी परेशानी